लेंदे पंजाब पाकिस्तान तो जो भैन भरा इतने मिले उन्हां नाल फोटो शूट हो रहा है तो सारे लेंदे पंजाब चढ़ते पंजाब के दोनों भैन भरा कट्ठे बैठे हैं ये वाहिगुरु की कृपा इतने जो कट्ठे होए हैं। सत श्री अकाल जी, नवे ब्लॉग नवी वीडियो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो असीं पाकिस्तान विच गुरद्वारा करतार साहब करतारपुर साहब आ गए हैं। तो इत्थे शुरू होंदे ही एंटर होंदे ही असीं पहला जिहड़ा जोड़ा घर बनिया होया जोड़ा घर जोड़े जमा करवा के उस तो बाद अगे दर्शनों लई जा रहे हैं। लो जी, दो भरा जा रहे हैं जिन्हां दी बहुत देर तो तमन्ना सी कि इत्थे पाकिस्तान विच गुरद्वारा साहब के दर्शन करने हैं। तो डैडी जी जा रहे हैं नाल, ताए जी जा रहे हैं, पंजाब सिंह हरियाणा सिंह दोनों दर्शन करने लई जा रहे हैं। लो जी, असी फाइनली पहुँच गए हैं जोड़े जमा करवा के गुरुद्वारा साहब वाल दर्शन करने लिए जा रहे हैं। ये सारी बिल्डिंग जिहड़ा खुली डुली इमारत बनी हुई है, पत्थर लगे हुए सारे पासे गुरुद्वारा साहब की इमारत सानूं सामने बिल्डिंग वीडियो च दिख रही है। यह पवित्र जगह मजार साहब बनी हुई है। इस पवित्र स्थान के मुस्लिम मुसलमान भाईचारे के लोगों ने गुरु नानक देव जी महाराज की चादर और फुल नूं दफन किया सी, क्योंकि जिहड़े गुरु साहब होए हैं वह सब धर्मां दे सांझे गुरु होए हैं, हिंदू सिखां दे मुसलमानां दे सब दे सांझे गुरु सी। ते जदों गुरु साहब नाल संस्कार होया तां इत्थे जो चादर सीगी उन्होंने इत्थे अपना मुसलमान भाईचारे ने अपनी रीति रिवाजां अनुसार इत्थे उन्होंने संस्कार किया। मजार साहब तो मत्था टेकण तों बाद तुसीं इत्थे अंदर दाखिल होंदे आ ते इत्थे माया गोलक विच पाओ लिखा होया, इत्थे गोलक तुसीं अपनी माया पा सकदे आ। ते जे लंगर लई आ तुसीं सेवा इत्थे देनी है, तुसीं इत्थे लंगर सेवा दे के भी इत्थे पर्ची ले सकदे हो। उस तों बाद सामने इत्थे दीवान हाल जाण लई पौड़ियां बणीआं होईआं, इह रस्ता तुसीं इत्थे उपर जाके दरबार साहब लई दर्शन कर सकदे हो। लेंदे पंजाब पाकिस्तान तो कुछ भैन भरा मिले हैं जिहड़े सानू इत्थे गलबात कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहब च प्रसाद लेने तो बाद असी नीचे आके उस जगह ते आ गए हैं जिथे एक खूह बनया होया है। तो इस खूह का भी आपां दर्शन करते हैं। इत्थे इन्होंने बोर्ड भी लाया होया क्योंकि पाकिस्तान च टिकटॉक चलती है, भारत नूं छड्ड के सब पासे चलती है कि टिकटॉक बनाना सख्त मना है। ये गुरु नानक पातशाह का खूह है जिथे गुरु नानक पातशाह ने कदे खेती की सी, ते इस खूह नूं वरत्या सी। टिंडा वाला खूह हले भी सांभ संभाल के रख्या होया है। तो जिहड़े श्रद्धालु आउंदे इत्थे सिक्कियां नाल मत्था टेकदे आ, उह सिक्के भी इत्थे रखे हुए हैं। आपां खूह दी परिक्रमा करदे हां ते तुहानूं वीडियो राहीं उह गुरु साहिब नाल संबंधित खूह है उहदे दर्शन करवाउंदे हां। खूह दे नाल ही तुसीं जिहड़ा इक वीडियो च देख रहे हैं एक शीशे च सांभ संभाल के रख्या होया है। ये 1971 की जदों इंडिया ते पाकिस्तान की कोई जंग हुई सी, उस जंग विच इंडियन आर्मी वल्लों यह गोला इत्थे सुट्टिया गया सीगा। बोर्ड ते भी तुसीं इहदा इतिहास पढ़ सकते हो। तो करतारपुर साहब नूं नष्ट करन लई सुट्टिया सी, जो बोर्ड ते लिखिया होया कि अकाल पुरख वाहिगुरू की खास रहमत सदका यह गोला श्री खूह साहब ने अपनी पवित्र गोद विच लै लिया ते गुरद्वारा समाध मजार साहब नूं नष्ट होण तों बचा लिया। बाकी ये खूह है जिसते कदे गुरु नानक पातशाह ने खेती की सी, इस खूह का पानी नूं खेती लई वरतदे सी। गुरुद्वारा साहब च एक खंडा बने हुए जिहड़ा एक सैल्फी पॉइंट भी मन्नया जांदा है। तो इत्थे जिहड़े भी श्रद्धालु पिलग्रीमेज आने इत्थे फोटो जरूर खिचा के जाते हैं। नवजोत सिद्धू ते जिहड़े इमरान खान साहब होए हैं उन्हां बेशक वह किसी पार्टी नाल संबंधित हैं, तो आप जिहड़े सिख श्रद्धालु ने इन्हां नूं इस चीज़ नाल सानूं कोई मतलब नहीं हो सकता कि किसी पार्टी नाल भी होण, पर उन्हां दी जिहड़ी दोस्ती है वह रंगत लियाई है। उन्हां दी दोस्ती दे सदका ही आपां इत्थे दर्शन कर रहे हैं। तो रोज़ किन्ने श्रद्धालु इत्थे दर्शन करन लई आउंदे हैं, जे उन्हां दी दोस्ती ना हुंदी तां इह शहर पॉसीबल ना हुंदा। उन्हां दी दोस्ती करके ही इह समझौता होया ते दोवें मुल्कां दे लोग आपस विच इत्थे मिलदे हैं ते बढ़िया तरीके नाल पेश आउंदे हैं। लेंदे पंजाब पाकिस्तान तो जो भैन भरा इत्थे मिले उन्हां नाल फोटो शूट हो रहा है। तो सारे लेंदे पंजाब चढ़ते पंजाब के दोनों भैन भरा कट्ठे बैठे हैं। ये वाहिगुरु की कृपा इत्थे जो आपां कट्ठे होए हैं।
करतारपुर करता वसा संतन के पास, ये इत्थे उर्दू च भी लिखा होया जी नाल, ते ये हुण अगे सामने लंगर हाल वास्ते जाण लई रस्ता बनिया होया है। ये है जी करतारपुर साहब का लंगर हाल, तो इत्थे तुसीं लंगर लई सेवा भी दे सकदे हो। तो तुसीं इत्थे अंदर एंटर हो के बर्तन लेके इत्थे लाइना बनी हुई हैं, लाइना च तुसीं दोवें पासे दे भैण भरा लैंदे रे चढ़दे पंजाब दे दोवें इकट्ठे बैठ के लंगर छक सकदे हो। ये है जी पाकिस्तानी गुरद्वारा साहब, तो असीं लंगर छकन लगे हाँ, राजमां दे नाल रोटी मिली है, तो इत्थे दोवें पासे दे भैण भरा बैठ के लंगर छक सकदे हां, ते बजुर्गां लई बैठण लई स्पैशल प्रबंध इत्थे करिया होया जिहड़े लाइना च नहीं बैठ सकदे। लंगर छकन तो बाद एक लंगर हाल तो बाहर साइड दे नाल ही रस्ता बनिया होया जिहदे विच नहीं तुसीं जाके जिहड़े जूठे बर्तन है वह एक पासे जाके रखने हैं, तो वह मैं तुहानूं वीडियो च दिखा रहा है। पाकिस्तानी भरा जिहड़े इत्थे लंगर की सेवा कर रहे हैं वह भी इत्थे वीडियो च तुहानूं तुसीं देख सकते हो। लंगर हाल के बैक साइड इत्थे लंगर सेवा हो रही है, जिहड़े बीबियां भैणां इत्थे लंगर लई प्रसादे की सेवा कर रहे हैं। हुण असीं चले हैं जी जिहड़ा पवित्र सरोवर इत्थे बनिया होया उहदे दर्शन करन। गुरद्वारा साहब के अंदर यह वो पवित्र सरोवर बनिया होया जी, तुसीं वीडियो च देख सकते हो किन्ना साफ सफाई का प्रबंध है, इत्थे एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर पानी है, ये तुसीं इत्थे आके स्नान कर सकते हैं। जे स्नान करन दा टाइम नहीं है तां तुसीं पंज स्नाना इत्थे जरूर करके जाना। ये सामने बनिया होया जी गुरद्वारा साहब के लंगर हाल तो एक सैड रस्ता आता है, वह रस्ते तो तुसीं बाहरों आके इत्थे जो बाजार बनिया होया है या फिर जिथे तुसीं जोड़े जमा करवाए सी उत्थे वापस आके जोड़े वापस पा के सीधी जो रोड आ रही है तो उत्थे सामने ये बनिया होया भाई अजीता जी बाजार, इत्थे कुछ मार्केट बनी हुई है, तुसीं इत्थे समान खरीद सकते हैं या खाण पीन का समान भी इत्थों ले सकते हैं। जी पहली दुकान बनी हुई है पाकिस्तानी कल्चर शॉप, पाकिस्तान के जिहड़े मशहूर कपड़े तुसीं इत्थे जे फैमिली नाल आओ तां तुसीं जरूर लेके जायो। अगली दुकान भी पाकिस्तानी क्लॉथ हाउस है, इत्थे बहुत मशहूर वधिया इत्थों दे कपड़े तुसीं इत्थे खरीद सकते। इत्थे पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट भी बहुत मशहूर है, तुसीं उह भी इत्थे ले सकते हो, अखरोट खजूरां बादाम हो की है ਬਦਾਮ ਜੇ ਅੰਜੀਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿੰਮ ਕੋ ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਦਾਮ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਬਦਾਮ ਚ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਅਖਰੋਟ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅਖਰੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 900 ਰੁਪਏ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 900 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 400-600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਦੋ ਰੇਟ ਚ ਅਖਰੋਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕਢਾਈ ਦੋ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ तो फैमिली ना आओ तो जरूर इतने कुछ ना कुछ लेके जाओगे। ड्राई फ्रूट दी बहुत दुकान इधर है ना, तीन चार दुकाना ड्राई फ्रूट यही रेट है, सेम ही उत्थे भी लगभग यही रेट है, नहीं उधर भी यही रेट पै जाता तकरीबन। इतने वीर सानू मिलिया ये समोसे पकौड़े बेच रहे, इतने पाकिस्तानी 70 रुपए के, इंडियन 35 रुपए के समोसे सानू इतने एक पीस मिल जाता है। लहरपुर पाकिस्तान का मशहूर है, तो कपड़ा तो जुत्ती लिए मशहूर है साढ़े को है, ये तो जाए ना अभी विद फैमिली आए होंगे ना फिर तो सूट साड़ उन्होंने कहने की लड़ ही नहीं पैने की आपे ले लेने थे उन्होंने, है ना। हूँ असं हले थोड़े जे कले आए हैं, अच्छा बाकी अगली बार साड़ी कोशिश होगी भी जो फैमिली नाल आए तो सूट वगैरह लेके जाऊंगे जरूर। मार्केट तो पिछे इत्थे जिहड़े खेत बने हुए हैं, तो इत्थे गोभी की फसल है, तो नाल ही बैंगन लगे हुए हैं, तो दूर पिछे तुसीं देख सकते हो एक बाउंड्री तार भी आपां नज़र आ रही है, तो इस हद तक ही आपां रह सकते, इस तो पार आपां अगे नहीं जा सकते। ये एक होर फास्ट फूड की दुकान है जी, इत्थे तुसीं समोसे पकौड़े गोल गप्पे ये सारे इत्थे टेस्ट कर सकते हो। जिहड़े आ कड़े पए जी इत्थे इंडियन 150 रुपए दे हैं, कुछ विच 100 रुपए पीस भी है, तो वीर ने दसिया कि जेडे एक कप पे हैं ये 300 रुपये इंडियन रुपीज 300 रुपये एक कप का रेट है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਮਲਤਾਨੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੌਗਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਪਿਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਚ। ਅਖਰੋਟ ਵਗੈਰਾ ਚ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਪਰਾਈਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਲਾਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ HBL ATM
पाकिस्तान का ए टी एम हैगा इत्थे बैंक पाकिस्तान बाजार दियां रौनकां इहदे विच सानूं खाण पीण की वरायटी फास्ट फूड काफ़ी मिल जाऊगा कपड़े की दुकाना जिहड़ियां जुत्तियां वह मिल जाणगियां इत्थे ते उस तों अलावा तुसीं इत्थे जिहड़े ड्राई फूड इत्थों दे फेमस है वह भी काफ़ी शॉप्स हैगियां ड्राई फूड भी इत्थों ले सकदे जिहड़े यात्री इत्थे दर्शन करन लई आउंदे आ पाकिस्तान साइड तों वह सामने इस साइड तों आउंदे आ वह सामने गड्डियां भी खड़ियां इत्थे इहनां दियां ते उहनां दा एंट्री वाला रस्ता भी अपने रस्ते नालों अलग है। लो जी पाकिस्तान बाजार दियां रौनकां आपां देख लईआं ते उस तों बाद आपां इत्थे जिहड़े गुरु नानक पातशाह दे खेत बणे होए आ उस वाल उस पासे आ गए हाँ ते पिछे तुसीं लिखिआ भी होइआ निशान साहिब ते इत्थे खेतां दे विच ही उहनां ने उस तरीके नाल निशान साहब बनाया होया है पूरे घा दे नाल तुसीं देख सकते हैं फोटो च जिथे तक अपनी वीडियो च निगाह जा रही है ये कदे गुरु नानक पातशाह दे खेत होंदे सन ते उन्होंने इत्थे ही अपने जिंदगी दे आखिरी जिहड़ा समां सीगा आखिरी टाइम इत्थे रहे ते उन्होंने कई साल इत्थे खेती कीती क्योंकि अपने पहले वीडियो च देखिया इत्थे गुरद्वारा साहब है जिहड़ा मेन उहदे कोल एक खूह बणिआ होइआ है गुरु नानक देव जी उह खूह नूं खेती लई वरतदे सी उस खूह दे पाणी नाल इत्थे खेती करदे रहे हैं ते पातशाह ने गुरु नानक पातशाह ने इत्थे ही कीर्त करो नाम जपो वंड छुक दा उपदेश इसे जगह तों दित्ता बाबा जी दे बाग इह उह पवित्र जगह जी जिथे बाबा जी दे कदे बाग हुंदे सीगे ते अज असीं ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ असी सामने गुरद्वारा साहब की बैक साइड तो यह रस्ता होकर आए हैं जी तो इत्थे एक जगह बनी हुई जिथे गुरु नानक पातशाह कदे बैठ के आराम करते जदों वह खेती करते इत्थे ही बैठ के आराम फरमाते इत्थे एक पाकिस्तानी भरा बैठा जिहदी ड्यूटी लगी है उन्हें सानूं दस्सिया कि असी इत्थे तक ही जा सकते अगे असी नहीं जा सकते क्योंकि सामने अगे बाग लगे हुए हैं इत्थे अमरूदा के बूटे लगे हुए हैं तो सेवादार भरा तो इत्थे जा सकते हैं पर जिहड़े आपां पिलग्रीमेज है इंडियन आपां यात्री इत्थे आए हुए हैं दर्शन करने वो आपां अगे नहीं जा सकते इस दे नाल ही रावी का बन्ना इत्थे भी जिन्हां दी ड्यूटी लगी है वह ही जा सकता बाकी बिना परमिशन आपां उत्थे तक नहीं जा सकते। सानू वीर मिले हैं गुरुद्वारा साहब दर्शन करने लिए आए हुए हैं गुजरावाला तो वीर मुल्तान तो है राजनपुर तो है वीर तो इन्हें गलबात हुई बहुत चंगा लग्या भी कोशिश करते हैं कि अपने इंडिया ट्राई करूँगे तो उत्थे आके जिहड़ी अपनी चीज़ा बनी हुई घूमने वाली वो सारी चीज़ा देख के जाऊँ। लो जी असं दर्शन करके दोबारा जीरो लाइन पर आ गए पिछले पाकिस्तान देख रहे हो गेट लगे हुआ यह जीरो लाइन हूँ असं इंडिया आ गए तो इतें ही मैं वीडियो की ब्लॉग की इतें ही समाप्ति करदा उम्मीद करदा थानू ब्लॉग ये वीडियो वधिया लगी होगी दर्शन करके वधिया लगे होगा तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो